नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती का दिन, और आज सुबह से मैंने फेसबुक पे अपना पोस्ट डाला कि चलो गांधी का देश ढूंढते हैं। तो गांधी का देश ढूंढने के क्या अनुभव दिन भर रहे उस पर लंबी चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन जो आजकल ग्वालियर में माहौल चल रहा है उसको लेके मैं चर्चा जरूर करूंगा। ग्वालियर में 6 अक्टूबर को होने जा रहा है भारत बांग्लादेश के बीच T20 क्रिकेट मैच, और इस क्रिकेट मैच का विरोध भी हो रहा है। विरोध किस तरीके से हो रहा है? भाजपा की सरकार है, नरेंद्र मोदी राष्ट्रवादी हिंदूवादी मतदाताओं का विश्वास है, तो देश के प्रधानमंत्री हैं। BCCI बहुत बड़ी बॉडी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, ऐसा माना जा रहा है कि इस मैच के मुख्य आयोजन के पीछे उनके प्रयास हैं, वो भी एक हिंदू समर्थक ही माने जाते हैं। अब यहाँ पर आप विडंबना देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई सरकार ही दोगली है आपकी, भाई हिंदूवाद की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, और जो हिंदू दल अब विरोध कर रहे हैं उनकी आप सुन नहीं रहे हैं। अभी पिछला एक इंटरव्यू में एक महिला ने भी इसी शब्द का प्रयोग किया, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप यदि विरोध की भी बात कर रहे हैं तो किस तरह का विरोध है ये? गांधी के देश में यदि हम बात करें तो लोकतंत्र में अपनी बात रखना है, ठीक है। गांधी के देश में विरोध का तरीका क्या होना चाहिए? एक तो सीधी बात है, यदि आपकी सरकार थी आप अपनी सरकार को इतना दबाव बना देते कि भाई अगली बार हम आपको सहयोग नहीं करेंगे। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के विरुद्ध असहयोग आंदोलन चलाया था, और आज उसी गांधी के देश में उस असहयोग आंदोलन का एक कतरा भी दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश का पुतला जलाएंगे, बांग्लादेश के खिलाड़ियों का पुतला जलाएंगे, BCCI का पुतला जलाएंगे। भाई आप उस भाजपा सरकार का पुतला क्यों नहीं जलाएंगे जो सत्ता में बैठी हुई है केंद्र में, लेकिन उन्होंने मैच के आयोजन को अनुमति दी है? ये कैसा दोगला विरोध है, बहुत गंभीर विषय। आज गांधी जयंती 2 अक्टूबर में गांधी के देश को ढूंढने निकला, लेकिन गांधीवाद कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा। अब कोई मेहमान यदि आपके यहां आ ही गया है, मेहमान कोई भी हो, देखिए गांधीवादी देश में उस मेहमान का तो सम्मान करना ही पड़ेगा, अतिथि देवो भव। अब वो उस देश से आया है तो भी अब वो अतिथि है, हमारे यहाँ आ चुके, ये भी गांधीवाद की परिकल्पना है। और विरोध की बात चलिए कर लेते हैं, आपने अभी तक ऐसा कौन सा तीर मार लिया विरोध करके? गांधीवादी देश में यदि गांधीवादी तरीके से विरोध किया होता पहले दिन से, तो मैं आपको बता रहा हूं कि शायद आयोजक आपकी भावनाओं को समझते। गांधीवादी विरोध कैसा? असहयोग आंदोलन, बहिष्कार, ये सब चीजें आज भी उतनी ही प्रमाणिक हैं, उतनी ही कारगर हैं। मान लीजिए आप कह रहे हैं कि भाई वो कुछ चंद लोगों ने तो टिकट खरीदे, मैं कह रहा हूं आप स्वयं वो टिकट खरीद लेते। जितने भी संगठन हैं, जितना ही लोगों को ये दर्द है कि बांग्लादेश में ऐसा हुआ, मैं कहता हूं सबसे पहले वे ही लोग टिकट खरीद लेते, पूरे टिकट वो स्वयं खरीद लेते, और टिकट जैसे गांधी जी करते थे। विदेशी वस्त्रों का जब विरोध करना है तो वस्त्रों को, विदेशी वस्तुओं को एक जगह जला दिया, तो आप भी ऐसा कर सकते थे। टिकट लिए, इकट्ठा किए, 6 तारीख को मैच देखने जाने के बजाय बाहर ही अपने यहाँ पर कहीं भी चौराहे पर पुतले की जगह वो जला देते, आप मैदान खाली। असहयोग आंदोलन,
उससे पहले भी कर सकते थे आप असहयोग आंदोलन। भाई आपके हिंदूवादी जितने भी संगठन हैं उन्हीं के सहयोग से, उन्हीं के प्रयास से ये सरकार बनी है। आप असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर सकते थे कि भाई हमारा भावनाएं हमारी आहत हो रही हैं, आप यदि ये मैच आयोजन कराएंगे मोदी जी तो हम आपको आगे किसी भी तरीके से किसी चुनाव में कोई सहयोग नहीं करेंगे। इस तरह का असहयोग आंदोलन का एक आप चेतावनी शुरुआत से दे सकते थे। फिर उनको भी मालूम है कि यहाँ आप सड़कों पे कुछ करेंगे और बाद में उनका पूरा सहयोग करेंगे। किसी भी देश में इतने बड़े मैच का आयोजन बिना उस देश की सरकार के मंजूरी के नहीं होता है। तो यहाँ पर आप जो विरोध कर रहे हैं उस विरोध में ये दोहराव क्यों दिखाई दे रहा है? विरोध यदि आप वास्तव में गांधीवादी तरीके से करते, असहयोग आंदोलन चलाते, आप एक बहिष्कार की शुरुआत करते तो निश्चित ही कहीं ना कहीं आज परिणाम कुछ और होते। बहिष्कार आप एक चीज का और कर सकते हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो इस मैच की स्पॉन्सर्स हैं वो केवल पैसे के लिए, उनको कोई मतलब नहीं देश से, पैसे के लिए स्पॉन्सरशिप दे रही हैं। वो कंपनीज क्या हैं, उनके प्रोडक्ट्स क्या हैं, आप उनका बहिष्कार करना शुरू कर दीजिए। पूरे देश में इतने करोड़ों लोग जब उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करना बंद कर देंगी उनको तो इतना बड़ा नुकसान होगा कि वो सोच नहीं पाएंगी। तो ये आप पिछले कुछ समय से कर सकते थे लेकिन आपने वो नहीं किया, ना आपने असहयोग किया, ना आपने बहिष्कार किया और आप विरोध कर ही रहे हैं। और अब मैं समझता हूँ कि जब मैच पूरा शुरू हो चुका है, लगभग लगभग टीमें आ चुकी हैं, अब प्रैक्टिस शुरू हो रही है, और फिर से बोलूँगा हमारे सनातन परंपरा में चाहे दुश्मन भी आपके यहाँ आ जाए, दुश्मन देश का, दुश्मन राज्य का दूत भी जब आपके यहाँ आता था तो हमारे प्रभु राम भी कहते थे कि उसका सम्मान करना चाहिए। तो अब तो वो हमारे आ चुके हैं, हमारे अतिथि हैं, तो मैं समझता हूँ कि अब शायद ये जो पहले जो करना चाहिए था वो तो अपन छोड़ चुके हैं, लेकिन आगे भी जो कर सकते हैं वो यही कर सकते हैं कि जो सरकार दोषी है उसको याद दिलाएं कि आपने ये गलत किया, आपने हमारी भावनाओं के संग खेला, हमने ही आपको वोट दिए थे, हमारे वोट से आप कुर्सी पे बैठे थे। और दूसरा, ये जो कंपनी करोड़ों रुपए अरबों रुपए की स्पॉन्सरशिप दे रही हैं, इनके क्या प्रोडक्ट है, आप उनका विरोध कर सकते हैं। तो यदि ये विरोध करेंगे तो निश्चित मानिए आज गांधीवादी देश में जिस गांधी को मैं ढूंढ रहा था वो नहीं मिले, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर, उनको फिर से जिंदा कीजिए। और यकीन मानिए इस देश में गांधीवाद के आधार पर आज भी आप सफल हो सकते हैं। धन्यवाद। अगले ऐसे ही वीडियो में फिर आपके सामने रूबरू होऊंगा। जब तक के लिए आपसे इजाज़त लेता हूँ, और वीडियो यदि पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय श्री राम।